ये देखें जी, ये जो हमने सेवइयाँ बनाई थी घर में ही सूजी की, ठीक है जी, इसकी रेसिपी आज अब आपको हम देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं ये सेवइयाँ, ठीक है जी, और आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक देचकी ले लेंगे, इसमें हम घी ऐड करेंगे, ठीक है जी, और इसमें हम अपनी जो सेवइयाँ बनाई हैं वो फ्राई करेंगे। तकरीबन हाफ कप इसमें हम घी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे, उनको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें फ्राई करने के बाद बाहर निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसमें ही फ्राई करने के बाद बाकी इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है जी, और इसके साथ ही इसे कुक कर लेंगे। तो मैंने अब सोचा है कि हम इसमें ही बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे फ्राई करने के बाद इसके साथ ही। यहाँ मेरे पास एक कप चीनी है और एक गिलास मेरे पास दूध है, ये इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। इलायची ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का जायका पसंद है तो आप ये यहाँ पर जब ये सेवइयाँ ऐड करेंगे इसके साथ ही इलायची ऐड कर सकते हैं इसमें, उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है निकल के, ठीक है जी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप स्किप कर दीजिए इसमें से। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा कलर इसे आ गया है, गोल्डन सा कलर इसे आ गया है, ठीक है जी। ये जो सेवइयाँ हमने घर में रेडी की थी यही बना रहे हैं हम, तो ये बड़ा प्यारा इसे गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें मैं एक गिलास दूध ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसमें मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ये चीनी भी इसमें ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके हमने स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है जी। तो इसे मैं कवर कर रही हूँ स्लो फ्लेम पर, 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये हमारी सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी, ठीक है जी। आप चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मीठी बना रही हूँ। चलें तो 5 से 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे थोड़ा सा कवर रिमूव करती हूँ। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त बन गई हैं, ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं, ठीक है जी। ये जो सेवइयाँ हमने घर में रेडी की हैं इसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी, आप प्रीवियस मेरी वीडियोस आप चेक कर सकती हैं, उसमें मौजूद है, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये ऑलमोस्ट इसका जो दूध है वो ड्राई होने वाला है और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये सेवइयाँ होममेड रेडी हो चुकी हैं। ये मैंने ऊपर से ये जी किशमिश के साथ ही उसकी गार्निशिंग की है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये बनी है, मैंने ट्राई करके भी देखी है, तो आपने इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को लाइक करके, और आपने ये जो हमने होममेड ये सेवइयाँ बनाई हैं इसकी रेसिपी आपको मेरी रेसिपीज़ में मिल जाएंगी, प्रीवियस आप वीडियोज़ मेरे देखें, ठीक है जी। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।